अस्सलाम वालेकुम, देसी होम कुकिंग से मरियम शहजाद का सलाम हो। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल। जी हाँ, मज़ेदार सी। तो चले तैयारी करते हैं। यहाँ पर 1 कप के बराबर हमारे पास चने की दाल थी, जिसको हमने भिगो दिया था तकरीबन 20 मिनट पहले। हमने इसको गुनगुने पानी में हमने इसको भिगो दिया था। नमक हम इसमें लेंगे 2 टेस्ट हम इसमें डालेंगे। धनिया हम इसमें 2 टीस्पून हमने लिए। मिर्च हमने इसमें ली 1 टेबलस्पून भर के, और थोड़ी सी हमने डाली है। बाकी जो मसाले हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी हमने 1/2 टीस्पून ली। हरी मिर्च हम इसमें डालेंगे। लेमन जूस इसमें डालेंगे। टमाटर 1 अदद चाहिए होगा। साथ ही हमें थोड़ी सी इमली चाहिए होगी, और साथ ही लहसुन और अदरक की जो पेस्ट है ये हम इसमें यूज़ करेंगे थोड़ी सी अभी, और बाकी हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। बाकी धनिया और जो पुदीना है ये हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। तो चले तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने दाल को लेना है, और इसको हम तैयार कर रहे हैं कुकर में। जी हाँ, 8 से 10 मिनट में हमारी जो ये दाल है मज़े की ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। तो इस पानी को हम निकालते हैं और कुकर में डालते हैं, और तकरीबन हम इसमें 1.5 कप के बराबर जो है हम इसमें पानी डालेंगे। 1.5 से 2 कप पानी जो है हम इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर कुकर में दाल हमने डाल दी, और साथ ही हम ये पानी जो है ये भी इसमें डाल देंगे। देखें, बहुत ज़्यादा पानी की हमें ज़रूरत नहीं है, बस ये देखें इतना डालना है। और साथ ही मसाले भी डाल देंगे। लहसुन और अदरक की जो पेस्ट है वो 1 टीस्पून हम अभी इसमें डाल देंगे, और इसको बंद कर देते हैं। या अगर आप चाहें तो इसमें आधा टमाटर जो है वो भी आप इसमें अभी डाल सकते हैं, जो कि हम अभी आधा टमाटर इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने टमाटर भी डाल दी, और साथ ही एक छोटे साइज़ की हरी मिर्च जो थी ये भी हमने इसमें डाल दी, और ये लहसुन और अदरक जो है ये भी हम इसमें 1 टीस्पून इसमें डाल देते हैं, क्योंकि बाकी का जो लहसुन है हमें वो तड़के में हम इसके डालेंगे। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने कुकर को 10 मिनट के लिए स्टार्ट कर दिया, बंद कर दिया। अब हमारी दाल जो है तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हम कुकर को खोल देते हैं। प्रेशर को हम खोलते हैं यहाँ पर, और ये देखिए दाल हमारी तैयार है। बस इतनी हमें दाल चाहिए थी कि इतनी हद तक ये पक जाए। अब दूसरी तरफ हम ये देखें तड़का लगाएंगे, इसको बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम तड़के की तैयारी करते हैं मज़ेदार से तड़के की। अब यहाँ पर हमने तड़के की तैयारी करनी है। ऑयल हमने डाल दिया, कम या ज़्यादा जो है आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 से 5 टेबलस्पून जो थे वो हमने ऑयल के लिए थे, कोई सा भी ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर इसमें डालने के लिए हमने ये देखें कड़ी पत्ता लिए हमने, साथ ही हमारे पास बेली में कड़ी पत्ता भी हम डालते हैं इसमें। साथ ही इसमें जो है ज़ीरा हमारे पास है, मेथी दाना है, अजवाइन है, लौंग है, और साथ ही हमारे पास यहाँ पर काली मिर्च है हमारे पास, और साथ ही हमारे पास लौंग है। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हमने बस ये इसमें डालनी है, और साथ हम लेंगे लहसुन लेंगे, इसको हम बारीक बारीक चॉप करेंगे। आधा टमाटर जो हमने रखा था ये लेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, धनिया और पुदीना डालेंगे। तो चलें तैयारी करते हैं। अगर आपके पास बे लीव है तो आप ये डालिए, अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ऑयल में ये जो साबुत मसाले थे ये हमने इसमें डाल दिए। हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे, और इसके बाद जो है हम लहसुन डाल देंगे इसमें। अब यहाँ पर हमने लहसुन को भी काट के देखें डाल दिया। कुछ लोगों को लहसुन की स्मेल नहीं पसंद आती, तो आप इसमें इसी तरह ही एक छोटा सा प्याज जो है उसको लेके आप इसमें चॉप कीजिए, इसका जो है तड़का तैयार कीजिए। लेकिन लहसुन से दाल में बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, और टेस्ट में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अब इसको हम लाइट सा गोल्डन करेंगे, टमाटर डाल देंगे इसमें, हरी मिर्च डाल देंगे। टमाटर भी डाल दिए, साथ ही हरी मिर्च भी डाल दें, और ये देखें कड़ी पत्ता भी हमने डाल दिया, साथ ही बे लीफ भी डाल के अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे, और थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च जो है कश्मीरी वो डालेंगे, ताकि इसका कलर जो है बड़ा ही ज़बरदस्त आए। आप देख रहे हैं तड़का बड़ा ही ज़बरदस्त सा कलरफुल है। थोड़ा सा नमक, और ये देखिए थोड़ी सी हमने इसमें लाल मिर्च जो थी कश्मीरी वाली वो डाली, इससे कलर आप देखें बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा।
ये देखें तड़के का कलर आप देखें, कड़ी पत्ते की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारे किचन में आ रही है। और साथ ये देखें होल वाली अगर आपके पास लाल मिर्च है तो ये भी डाल दीजिए, इससे भी इसका जो टेस्ट में बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाएगा इसका टेस्ट। तो हम इसको बंद करेंगे, तड़का हमारा तैयार है। अब यहाँ पर आपने जितनी दाल को थिक रखना है या अगर पतला करना है आपने तो ये देखें इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अगर पतला करना है तो ये देखें दाल को इस तरह करके हम थोड़ी थोड़ी सी मैश कर देंगे ताकि हमारी जो दाल है ये थोड़ी सी थिक हो जाए। ये देखें अगर चावलों के साथ खानी है तो आप इस दाल को इस तरह आप रखिए, और अगर रोटी के साथ खानी है आपने तो फिर आप इसको थोड़ा सा थिक कर लीजिए। अब इस दाल में डालने के लिए, इसको ज़बरदस्त सा टेस्ट देने के लिए, थोड़ी सी खट्टी करने के लिए हम इसमें इमली डाल देंगे। ये देखें जितना टेस्ट आपको पसंद हो उतना ही आप डालिए, और अब बाकी की दाल में हम तड़का लगा देंगे। अब यहाँ पर दाल हमारी बिल्कुल तैयार है, बॉयल्ड राइस के साथ आप इसको खाएं, साथ में रायता हो, चटनियाँ हो, बहुत ही मज़ेदार सी दाल जो है ये तैयार होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको दाल बनाना बताया कि किस तरह हम इसको तैयार करेंगे। तो चलते चलते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहाँ पर बेल का बटन है उसको हिट कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच जाए। मुलाकात होगी आपके साथ फिर किसी नई रेसिपी, किसी नई टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।